हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम दिखाने वाला आपको कुछ गांव का अलग ही नज़ारा। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे उस यहाँ का जो है ईदगाह है, और सब वहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस यहाँ का जो है पूरा जो है ईदगाह का जो है दिखाने वाला हूँ। और यहाँ जो मैं आपको लोगों को बताया था जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो जल चुका था, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर जो जल चुका था, यहाँ पे वो लग चुका है जो लाइट सप्लाई नहीं आ रहा था इसी की वजह से, तो ट्रांसफार्मर लग चुका है फाइनली। तो चलिए चलते हैं अपने जो है अपने यहाँ का ईदगाह की तरफ, और मैं आपको पूरा जो है वहाँ का दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं बैक कैमरे से, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. पे जो आप देख यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, ये जो हम लोग का उसिया का जो है सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल है। तो ये बहुत पुराना स्कूल है हम लोग का उसिया का। तो पहले जो है उसिया का जितने भी लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते थे इसी स्कूल में पढ़ते थे। ये एक सरकारी स्कूल है। तो आगे भी यहाँ ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा आगे का जो है, मैं आपको उधर ही जाकर दिखाने वाला हूँ मेरा जो है हम लोग का जो है ईदगाह का। और उधर एक छोटा सा तालाब भी है, तो काफ़ी अच्छा लुक है। मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो उसिया का जो ईदगाह है, मैं यहाँ पे देख सकते हैं पीछे, मैं आपको जाकर वहाँ पे पूरा बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ वहाँ का। और एक छोटा सा तालाब है, काफ़ी अच्छा लुक है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, और ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.
दोस्तों ये रहा हम लोगों का उसियां का ईदगाह, जो पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक है जो है उसियां का ईदगाह है, जो है मतलब उसियां का जो है काफ़ी बड़ा ईदगाह है। पहले छोटा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले कितने में था, और जो है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जो है ईदगाह का, जगह ज़्यादा यहाँ पर बनाया जा चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का। तो आपको मैं बैक कैमरे से अंदर जाकर दिखा दे रहा हूँ कैसा दिख रहा है आप लोगों को, पूरा यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह। और मेरे यहाँ पे दो फ्रेंड भी हैं, इधर देखो ना, ये दो फ्रेंड भी हैं, साथ ही रहते हैं, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ काम से साथ ही जाते हैं। तो अंदर मैं आपको जाकर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का पीछे का, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ का उसियाँ का ईदगाह। तो बैक कैमरे से मैं आपको जाकर अंदर दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का अंदर का लुक है, आपको दिख रहा होगा पूरा ये उसिया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये जो देख सकते हैं जो ब्लैक जो नीचे का पत्थर हो चुका है जो बिछाया गया है, तो ये पहले का था, और जो नया जो बना है देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा उधर। तो मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ ईदगाह हम लोग का उसिया का, और आगे उधर तालाब भी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये जो साइड में है ना, ये हम लोग का जो कब्रगाह है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये जो साइड में जो यहाँ पे बाउंड्री दिया गया है ये कब्रगाह है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उधर तालाब भी है, तो आगे उधर भी मैं आपको जाकर दिखाऊँगा। तो पहले आपको अंदर का जो है ईदगाह का लुक पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा है हम लोग का ईदगाह। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो आज पता नहीं शायद से जो है हम लोग का जो ईदगाह का जो है पूरा गेट भी खुला है, यहाँ पे देख सकते हैं ईदगाह का गेट भी खुला है। तो अंदर जाकर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को दिख रहा होगा। तो अंदर जाकर पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम पहले अपने चप्पल को बाहर ही निकाल देते हैं और अंदर चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का आपको ईदगाह का जो है काफ़ी बहुत बड़ा है ईदगाह। पहले जो ब्लैक जो पत्थर बिछा है यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक जो पत्थर बिछा है यहाँ पे, और ये पहले इतने में ही था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये जो ब्लैक यहाँ तक पत्थर जो बिछा है ना, ये इतने में ही था। तो उसी यहाँ का पूरा ये बहुत ही बड़ा ईदगाह है, यहाँ पर देख सकते हैं खुला भी है, और देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये है, और आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा ईदगाह। It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. You think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया ईदगाह का अंदर का पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं, और हम जा रहे हैं बाहर अब। और बाहर का जो पीछे का साइड जो है ईदगाह का काफ़ी बढ़िया है, पीछे का जो है हरा भरा आपको नज़ारा जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम निकल चुके हैं अपने ईदगाह से बाहर, और यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा इधर से तालाब भी दिखा दूँ। तो आ जाओ चलते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का, और ये जो गेट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में जो है हम लोग का कब्रिस्तान का गेट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कब्रिस्तान का गेट है। और ये जो राइट साइड में जो है हम लोग का ईदगाह ही देख सकते हैं, ईदगाह है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक छोटा सा तालाब है। मैं पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाया था जो है बड़ा जो पोखरा था, तो बड़ा पोखरा था, बड़ा तालाब था, तो यहाँ पर ये छोटा तालाब है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का, मतलब इसमें पानी, बरसात का मौसम तो अभी मतलब बरसात का मौसम है लेकिन बारिश नहीं हो रहा, देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप देख सकते हैं सामने जो एक पेड़ है, जो यहाँ पर एक इस पर बहुत पहले जो है एक बिजली गिर चुका था, इसके वजह से ये पूरा का पूरा जो है सूख चुका है। पहले बहुत पहले यहाँ पे बिजली जो है गिर चुका था, जो है आसमानी जो है बिजली होता है जब बारिश होता है, तो यहाँ पे बिजली गिर चुका था। मैं वहाँ पे भी जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको बैक साइड से जाकर पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एक फील्ड है छोटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। एक फील्ड है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं देख सकते हैं, हम लोग का जो है मोहल्ले का जो है वो है मतलब फील्ड है यही, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने लोग आते हैं। और ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ है जो है पीपल का है, पीपल का, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का।
तो मैं आपको उधर भी आपको दिखा रहा हूँ, उधर जाकर हम बैक कैमरे से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ईदगाह की पीछे साइड, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इन लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है पानी पी रहे हैं। इन लोगों को आते आते प्यास लग गया, मतलब गर्मी का मौसम है, लग गया प्यास, बारिश हो नहीं रही है। तो आते आते हम मैं आपको पीछे का जो है ईदगाह का जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और थोड़ा सा मैं उधर भी मैं आप लोगों को जाकर दिखा दे रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ उधर से, ठीक है? तो उधर भी मैं आपको जाकर दिखा दे रहा हूँ, और कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है हम लोग का शहीद दादा का मज़ार है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको पूरा हमारे जो है चैनल पे उसी यहाँ का लोग आपको देखने को मिलेगा, एक शहीद दादा का मज़ार है। तो और यहाँ पे हम लोग का जो है रेलवे लाइन भी मैं आपको दिखा दूँ। अभी ब्लॉग में आपने देखा कि यहाँ पे जो है ट्रेन आ रही थी, तो यहाँ पे हम लोग का जो है रेलवे लाइन भी है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये रहा हमारा रेलवे लाइन। दोस्तों मैं आगे मैं अपने जो है उसी यहाँ का जो है स्टेशन का ब्लॉग भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा स्टेशन का मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा, मेरा स्टेशन कैसा है उसी गाँव का। तो देख सकते हैं पूरा जो है रेलवे लाइन इस तरह का आपको दिख रहा होगा पीछे, देख सकते हैं कुछ इस तरह का। तो पूरा मैं आपको ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं उधर पीछे जाकर, मैं पीछे के साइड में जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे के साइड में मैं जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा लुक है वहाँ का, ठीक है? तो ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का हम लोग का जो है रेलवे लाइन है। यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रॉसिंग है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रॉसिंग है। यहाँ पे फाटक भी बनने वाला है, मतलब यहाँ पर जो है ना जो क्रॉस करने में लाइट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे फाटक अभी बनने वाला है। तो देख सकते हैं कुछ हम लोग का रेलवे लाइन है, और आगे वहाँ पे देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, वही जो है हम लोग का जो है आगे जो है प्लेटफॉर्म भी है। तो मैं आपको अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा प्लेटफॉर्म का पूरा यहाँ पर जो है अपना ब्लॉग के अंदर। तो देख सकते हैं ये जो है हम लोग का रेलवे लाइन है, और यहाँ पर मैं आपको पूरा घुमा कर दिखा दे रहा हूँ जो है हम लोग का अप डाउन जो है रेलवे लाइन है। तो हम लोग का ऐसी खास बात है ना, मतलब उसियाँ के अंदर जो भी है हमारा जो है ऐसा है, मतलब उसियाँ का रेलवे लाइन जो हम लोग के गांव के बीचों बीच होकर गया है। तो मैं आपको जाकर उधर दिखा दे रहा हूँ पूरा पीछे का लुक कैसा है।